नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका सांस्कृतिक सफ़र मानुषी के साथ में। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कल्चरल जर्नी विद मानुषी। टुडे इन आवर स्टूडियोज वी हैव पंडित शांतनु भट्टाचार्य, द रेनाउंड इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट, अ टॉर्च बेरर ऑफ द पटियाला घराना। पंडित शांतनु भट्टाचार्य, जिनकी गायकी की तुलना उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब से की जाती है, आज हमारे टैग टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और चलते हैं उनके सांस्कृतिक सफर पर। नमस्कार पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस टैग टीवी के स्टूडियो में। नमस्कार, मुझे भी अच्छा लग रहा है यहाँ के। आपसे मेरा सबसे पहला सवाल बस यही होगा कि आपके इस सांस्कृतिक सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ आपका बचपन बीता, कहाँ आपकी पैदाइश हुई और किस तरह से आप इस सफ़र पर आगे बढ़े? बचपन एक गाँव में बीता था, लेकिन मेरे जाने से पहले ही शुरू हो गया था, क्योंकि माँ बहुत शौकीन थे और माँ का बहुत ये इच्छा था कि वो खुद कुछ परफॉर्मेंस के लिए नहीं, लेकिन उनका अच्छी तरह से शास्त्रीय संगीत सीखने का बहुत एक ख्वाहिश और बहुत एक प्रेयर जैसा था। शी वॉज़ वेरी डिवोटेड टू नॉट ओनली म्यूजिक इन जनरल बट टू दिस कॉन्शियसनेस ऑफ दिस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ऑफ द म्यूज़िक। तो वो जितना हो सके उन्होंने सीखा था। उस ज़माने में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता था ज़िंदगी के, और संसार को मतलब परिवार को पालना और ये सब उनको देखना पड़ा था। तो उसी में ही उन्होंने जितना कुछ कर सका, तो मुझे बचपन में मेरी माँ इरा भट्टाचार्य उन्होंने मुझे दिए थे प्रारंभिक शिक्षा। और फिर हमारे घर में हम मास्टर मौशाई बोलते हैं बांग्ला में, मास्टर मौशाई आते थे कोलकाता से। हम गांव में पाले गए हैं, चागदा नाम है वो, अच्छा। नदिया ज़िले में बंगाल, वेस्ट बंगाल में। तो मास्टर मौशी आते थे, बहुत प्यारे थे अमलिंदु बाबू। फिर विष्णुदेव बाबू एक आते थे, विष्णुदेव भट्टाचार्य जी। तो फिर हम आपको सिखाने के लिए गाना सिखाने की बात कर रहे हैं या ऐसे ही शिक्षा की बात कर रहे हैं? प्योर राग संगीत बंदिश सिखाते थे। और घर में बड़े गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब और सलामत अली खान साहब, नाजुकत अली खान साहब के बहुत बसता था। और रविशंकर जी, विलायत खान साहब, अली अकबर खान साहब, निखिल बाबू, ये बसता रहता था। एलपी रिकॉर्ड्स और 78 रिकॉर्ड्स और एक 45 आरपीएम की भी होती थी, ये सब बसता था। और हमको कहा जाता था कि संगीत यही है, यही सुनना चाहिए। ऐसे हो गया कि मुझे याद है कि बचपन में जब विविध भारती में कुछ फिल्म्स के वो आते थे तो वो कोई और भी वो सुन लेते, तो मुझे हमें लगता था कि ये कोई पाप हो रहा है, अन्याय हो रहा है कि ये संगीत क्यों सुना जा रहा है। बाद में हमने देखा कि उसमें कितना अच्छा उसमें भी है, लेकिन माँ यही बोलते थे कि प्योर क्लासिकल जो एक लेवल और एक उसके जो एक डिमांड है, वो शुरू से अगर उस तरह से सोचा ना जाए तो गले में भी वो वजन और वो जो पैदाइश एक होते हैं क्लासिकल के लिए, उसके कुछ अलग ही चाहत होते हैं। तो वो बनने के लिए और उसको बनाने के लिए शुरू से ही, और माँ हमारे नाना जो एक चीज़ बोलते थे उन लोगों को, हमारे जो माँ मासी और मामा लोग जो थे, उनके फादर उनको बोलते थे कि जे अगर सीढ़ी को अगर लगाना है, कोई एक पेड़ में उठना चाहते हो तो सबसे ऊंचे जो होते हैं पेड़ उसमें लगाना चाहिए। मोई जदि बांधो सब तक ऊंचू गाचे। सो वी गॉट दैट फीलिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट इफ म्यूजिक इज टू बी परस्यूड इवन एज नॉट इवन अ करियर बट जस्ट एज अ स्टूडेंट, तो बड़े गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब,
जो हमने सुने हैं, और ये जो मास्टर मशाई लोग जो आते थे, फिर हम कोलकाता हमको लाया गया सुखेंदु बाबू, सुखेंदु गोस्वामी के पास लेके गए माँ हमारे संगीत के लिए। उन्होंने सब कुछ किए हैं, इतने स्ट्रगल, इतने सैक्रिफाइस किए हैं कि चाकदा छोड़ के, क्योंकि वो चाकदा स्कूल में वो पढ़ाते थे, हेडमिस्ट्रेस थे, तो कोलकाता आ गए और 2.5 घंटा एक तरफ जाना पड़ता था ट्रेन में, और आप जानते हैं उस इलाके में क्या होता है हमारे लोकल ट्रेन के हालत, तो उसमें वो रोज जाते थे क्योंकि हम अच्छी तरह से सीखे। हमारे बड़े भाई है वो भी बांसुरी उस जमाने में वो भी सीखते थे, तो ये सब लेके हम बड़े हुए और फिर प्रसून बाबू जी के पास लाए और एक ही साथ हमने दोनों के पास सीखे हैं जी। पंडित प्रसून बनर्जी की बात कर रहे हैं, पंडित प्रसून बनर्जी एंड विदुषी मीरा बनर्जी, तो हम एक ही साथ दोनों के साथ ही सीखते आए हैं। और फिर बाद में अजय बाबू के पास, अजय चक्रवर्ती जी के पास गुरु जी नहीं भेजे थे प्रसून बाबू जी ने कि वहाँ जाके और भी तुम्हारी विद्या को समृद्ध करो, और वहाँ जजेस पैनल होते थे, एक्सपर्ट पैनल, उसमें सारे लोग थे उस जमाने में, तो निसार हुसैन खान साहब, लताफत खान साहब, सब लोग, तो उनसे भी कितना कुछ सलाह मिलता था। तो ये मेरा इन ब्रीफ, दिस हैज बीन माय म्यूजिक बैकग्राउंड फॉर द लर्निंग। तो आपने जब शुरुआत की अपने सांगीतिक सफ़र की, आपने अपने गुरुओं के बारे में बताया, सो व्हेन डिड यू स्टार्ट परफॉर्मिंग पब्लिकली, एट व्हाट एज? Actually, I was always very reluctant to appear in competitions. Right. And Ma also didn't want me to, you know, go and flourish in front of people and get accolades. Mm-hmm. But she observed that I was not very serious about riyaz. Mm-hmm. I was more into test cricket watching, test match cricket going on. We used like to any open young boy, yeah. TV, and then it used to be the valve system in those days. The TV used to get very hot, so we had to, you know, fan it with the hand fan or even ceiling fan, right, so that it would cool down before Ma came back from school. And वो shutter होते थे, हाँ जी, तो उसको करके फिर और चाबी वो लेके जाते थे स्कूल में ताकि हम टीवी ना खोल पाए, क्योंकि हम वर्ल्ड कप फुटबॉल जब आता था 4 साल बाद जब एक बार होता था, तो हमको वो बहुत ही एक दिलचस्पी की वो थी। और फिर टेस्ट क्रिकेट, सुनील गावस्कर, बाद में कपिल देव आए, और इसे हम बहुत इनके भक्त थे, और हम स्कोर्स लिखते थे, स्टैटिस्टिक्स हम देखते थे कि इनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स क्या, ये सब लेके हम बहुत, और मुझे जर्नलिस्ट वो आइडियाज़ बहुत अच्छा लगता था, कि मुझे लगता था कि मैं जर्नलिस्ट बन जाऊँ। तो इसलिए माँ बहुत नियम में रखते थे कि इतना घंटा रियाज करना ही है, तो वो मैं नहीं करता था। और मैं, माँ जब आएंगे उसके हिसाब से, मैं उसके थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर पहले मैं रियाज शुरू करके, मैं ऐसे कभी पानी वानी डाल लेता था बालों में कि बहुत रियाज हो गया है, हाँ, और थोड़ा चादर को वो कर देता था कि देख के लगता था कि मैं बहुत क्या उम्र थी तब आपकी, तो ये उनको पता चल जाता था, हाँ, क्या उम्र रही होगी तब आपकी। मैं स्कूल में जैसे कि क्लास 6, 7 हाँ 8 ऐसे ही था, एक्चुअली ऐसे क्लास 10 तक ऐसे था मेरा ऐसे ही था। फिर एक अमिताभ बच्चन जी का एक प्रोग्राम उस समय वो आए थे इंडोर स्टेडियम कोलकाता में जो है एक जगह, उसमें उनका कुछ लाइव शो था, तो हम तो जा नहीं पाए क्योंकि कोई परमिशन ही नहीं थी और टिकट भी लेना इतना आसान नहीं था। तो बाद में उनका एक डेफर्ड टेलीकास्ट आया था, तो हम देख रहे थे, और माँ उस दिन जल्दी जल्दी आ गए थे, लौट गए थे, क्योंकि उनको चाकदा से शियालदा, फिर साउथ स्टेशन बालीगंज होके इतना चेंज करके आना पड़ता था। हमने सोचा कि वो आते आते और भी देर होगी, लेकिन वो आ गया और देखा कि हम वो अमिताभ जी का वो चल रहा है, वो टीवी में हम देख रहे हैं, तो बहुत नाराज़ हो गए थे। और उस दिन हमारे मास्टर मशाई का क्लास था, जाना था, तो माइम हमको लेके जाएंगे सुखेंदु गोस्वामी, ही वॉज अ डार्लिंग ऑफ अ गुरु, आई मीन ही वॉज सच अ लविंग पर्सन, ही वॉज सो अफेक्शनेट, सो केयरिंग, वट एवर लिटिल आई गॉट इंटरेस्ट एंड आई वॉज डूइंग रियाज वॉज विथ हिम वेन आई वॉज विद द गुरु at his house. Otherwise, I was not very, I mean, I did half an hour or 1 hour at the most. उससे ज़्यादा मैं नहीं करता था। तो फिर उस दिन जब गए तो देखा कि उनके निधन हो गया था। हाँ, तो तब डेड बॉडी लाया जा रहा था वहाँ से हॉस्पिटल से, तो हम वहीं रुके
बहुत भीड़ हो गई थी उनके घर के सामने, एंड देन इज डेड बॉडी की, एंड दैट साइट यू नो आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस इट नाउ, दैट साइट यू नो इट ऑलमोस्ट परमानेंटली चेंज माई लाइफ, आई मीन चेंज माई आउटलुक, कि ये हमको इतना प्यार दिए हैं और हम कुछ एक कॉमर्शियल गाना बजाना ये सब देखने के लिए हम रुक गए थे इनके पास, ना कि हम वो उसको ज़्यादा मांग रहे थे, ये सोच के मैं आई मीन आई हैड ग्रेट शेम ऑन माई सेल्फ, एंड देन आई थॉट दैट नो व्हाट एम आई डूइंग. And then you started your career. So when was your first performance after? He had to give his life. Of course. In order to change mine. Anyway, so that was 1984. I was 16. Mm-hmm. And then I gradually understood what a beauty it was to do riyaz, and I got so much from it. And then I was talking about the music competitions. Right. वो भी मुझे ना बता के हमारे बड़े भाई से फॉर्म आकाशवाणी से फॉर्म लाके वो शांतनु भट्टाचार्य सही उन्होंने कर दिया था. मैं मालूम ही नहीं था कि वो सबमिट किया जा रहा है फॉर द ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन. अच्छी बात. उसका एक जोनल होता है. हाँ जी. ऑल द जोन्स लाइक ईस्ट जोन ऑफ इंडिया, साउथ एंड सेंट्रल एंड नॉर्थ एंड वेस्टर्न. सो आई स्टूड फर्स्ट इन द ईस्टर्न जोन अमंगस्ट ऑल द स्टेट्स इन द ईस्टर्न जोन, ख्याल एंड ठुमरी बोथ. अच्छा. एंड देन दे कॉल्ड मी अगेन to send the in those days it used to be the spool, right. 1988. So they sent the spool for the final final competition. So this will be the national competition amongst the zones, right. So usme bhi main first hua khayal tumhe. Oh, aaj tak wo record unbroken hai ki khayal tumhe dono mein all india radio competition mein ji wo ek hi baar aise hua tha ki main dono mein, to mujhe president gold medal mila tha appa ji ne दिए थे गिरिजा देव जी ने. फ्रॉम देन आई अंडरस्टूड दैट नाउ आई हैव टू डू रियाज एंड आई हैव टू कम अप टू सीरियस अबाउट इट. इवन फ्रॉम माय सेल्फ आई हैड लार्जर एक्सपेक्टेशंस. दैट्स हाउ सर्कमस्टेंसेस. और जैसा कि आपने अपने गुरुओं के बारे में बताया, मैं ये भी जानती हूँ कि आप खुद बहुत अच्छे गुरु हैं और आपके पास देश विदेश से बहुत लोग सीखने आते हैं. मुझे आपके इस ये जो आपका प्रयास है इसके बारे में बताइए, और हमारे दर्शकों को ये भी जानना है कि किस तरह से आप सिखाते हैं, क्या गुरु परम्परा गुरु शिष्य परम्परा के हिसाब से सिखाते हैं, इज इट दैट ट्रेडिशन दैट यू फॉलो, और do you teach online as well or do you all those, please if you can throw a little bit of. abhi is zamane mein bacche log kafi vyast ho gaye hain ji, unke apne career aur wo career ko behlane ke liye jo system aa gaya hai usme ye practically possible nahi hai ki wo 4-4 ghanta baithe din mein do bar yani subah sham baithe aur you know 7-8 ghanta kare. Karne se definitely I mean those days or those periods of the year when they can do it during vacation especially काफी उसमें असर बनता है उसके performance में definitely, but it cannot be really carried on for regular routine. That's why I started this online training as long ago as I would say maybe 2000 or even before that. And then Jonathan, Andrew and Justin from Toronto, they were the first few people from abroad who contacted me through the Sangeet Research Academy website. So they came to me in Kolkata and then they became our family members. And they were so serious. They are till this date they're very very serious and passionate about Indian rag music. And over time we've got students like this from Australia and the Arab countries and America and many places actually England. Wo to ek hai aur ghar mein dekhta hu ki bachcha chote se umar se hi unka ek jisko hum kaan bolte hain wo sun ke kitna koi seekh sakte hain वो हमारे बच्चे को देख के हम ये हमें महसूस हुआ है कि जस्ट बाय लिसनिंग दे कैन पिक अप इवन अ फुल रेंडिशन ऑफ अ राग. बाद में जब उनको गाने के लिए बोला जा रहा है, इतना इनको सिखाया नहीं गया है, लेकिन वो कितना तक वो गा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अ गुड लिसनिंग. तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा समय वो हमारे साथ बिता सके, हमारे जो
छात्र छात्री जो लोग हैं, तो इसलिए हम कोई फिक्स डेट, एक तो है फिक्स डेट, जैसे सैटरडे मॉर्निंग होते हैं, संडे मॉर्निंग, वो तो है, लेकिन जब भी उन लोगों के पास टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है या टाइम है, वो आ जाते हैं. और मैं भी जब हिंदुस्तान में घर में होता हूँ, मैं बुला लेता हूँ. और ऑनलाइन में भी हमारे आजकल जैसे कि व्हाट्सएप आ गया है, वी शुड टेक गुड एडवांटेज ऑफ दैट, नॉट टू वेस्ट आवर टाइम चैटिंग एंड यू नो डूइंग नथिंग दैट वे. तो हम वो करते हैं, रियाज हमारे ग्रुप है, लिसनर्स हमारे ग्रुप है, लिसनर्स ग्रुप में हम अच्छे अच्छे हमारे बुजुर्ग लोगों को सुनते हैं, सुन के उसको हम एनालाइज क्या करें, हम अप्रिसिएट करते हैं, लेकिन उसको हम स्टडी करना चाहते हैं, करते हैं. हमारे स्टूडेंट्स लोग उसमें फीड देते हैं. और रियाज ग्रुप है, उसमें कंपल्सरी है कि देर इज़ नो हायरार्की, ये गुरु है, ये छात्र है, हम सब छात्र ही है. तो हम अपना अपना रियाज उसमें सबमिट करते हैं. सो वी लिसन टू ईच अदर, सो इट्स अ बिग ग्रुप. हाँ, ओवर व्हाट्सएप. सो जॉनाथन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, एंड्रू फ्रॉम टोरंटो, और समवन फ्रॉम अगरतला त्रिपुरा, समवन फ्रॉम सिडनी, एंड समवन फ्रॉम मद्रास, और इट्स अ वेरी वेरी कॉम्पैक्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. यस, वो हम करते हैं. अच्छा, आप जैसे इस तरह से बात कर रहे हैं, तो मुझे जिज्ञासा है कि आपके परिवार में भी इस तरह गायन ज़रूर, शास्त्रीय संगीत वगैरह होगा, और कौन है परिवार में आपके, और किस तरह से? Talking of my ancestry, my father was a football player, but he always loved this music, and he heard a lot of Bade Ghulam Ali Khan and Amir Khan Saab, and also definitely the other maestros and luminaries through my mother. Definitely, once they got together, they were watching a lot of these programs, and they used to. My father used to tell me a lot of anecdotes. So he always said that. They did this taan like this, they did akar like this, they used to sit straight, they wouldn't do much of mannerisms as we see nowadays. So ye sab humko bahut impress kiya tha. Aur jab hamari shaadi hui Durba se, to I was very lucky, I was very fortunate that she is a very good singer in her own right, and she sings for the Akashvani, she sings khayal and bhajan, and she teaches very well. And she's so a very good harmonium player. Yeah, she plays on the harmonium also very well. She plays on the tabla also very well. Oh, really? Okay. That's and a musical family, I yes, would say. And yes. Then our daughter Mitra was born. And then we saw that it was very natural in her instinct to respond to the classical idiom. And nowadays, she even... coaches me on a lot of things. कि बाबा ये होना चाहिए, और वो मुझे याद दिलाते हैं कि यहाँ इसके लफ्ज़ ये है. और ट्रेडिशन के साथ इन लोगों का बहुत अच्छा रिस्पेक्ट बन गया है. हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, हमने ये देखा कि वेदर ही इज़ 6 ईयर्स और 8 ईयर्स ओल्ड और 20 और 30, दे हैव ग्रोन अ प्रॉपर इनर रिस्पेक्ट फॉर गुरु जी, गुरु माँ, मीरा बैनर्जी, प्रसून बैनर्जी, अजय बाबू. सो दीज पीपल, दी काइंड ऑफ साधना दे हैव डन, उसके लिए इनका बहुत अच्छा एक श्रद्धा बन गया है. और हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए हैं. अच्छा. गुरु जी गुरु माँ के ऊपर, प्रसून बाबू और गुरु माँ मीरा बैनर्जी के ऊपर. तो उसमें हमको भी कितना कुछ सुनने को मिला, सीखने को मिला. जब हम रिसोर्स पर्सन जिनके पास हम गए थे, बड़े बड़े हस्तियों के पास, वो जब हमारे गुरु लोग के बारे में बताए, तब देखा कि संगीत में कितने और भी गहरी होना चाहिए हमारे फोकस और डेडिकेशन. जी जी. शास्त्रीय संगीत का आप क्या भविष्य देखते हैं? आई थिंक इट इज़ लाइक दी, एज आई सेड, माय चाइल्डहुड पैशन इज़ द टेस्ट मैच क्रिकेट. सो इट इज़ समवॉट लाइक द 5-day टेस्ट मैच, बिकॉज इवन इन द एरा ऑफ दिस T20 एंड ऑल दिस तमाशा, I would say that it will survive because the right audience still supports it. And Ravi Shankar ji said something very important regarding this. He said it's not a massical music, it's a classical music. It's meant for the class. So you don't expect that you will have a turnout of 1 lakh people. But wo jo 10 jane baithe honge, wo samajhdar to hote hi hai, aur wo actually what we are lacking nowadays is I would say disciplined listening. We should listen to the great music that has already been recorded with lot of observation and respect.
not just for the you know fulfilling of the soul. उसको अच्छी तरह से सुने तो हमको भी वो इंस्पिरेशन बढ़ते जाना चाहिए कि हाँ अगर करना है तो यही करेंगे. तो वो है determination, there has to be that determination. Otherwise, how do we pay our respect and salutations to our gurus? Only by क्योंकि छात्र जो शब्द है उसके माने ही ये है. छात्र वो होता है जो गुरु के ऊपर छत्र धारण करते हैं. वो he protects his guru. He showcases his guru's greatness to the world. And that can happen only through a beautification of the art through his own hard work and dedication. पंडित जी आपसे बात करते हुए जैसा मुझे अब अगला सवाल लग रहा है पूछने के लिए कि what's the philosophy of life for you? How do you see life? मैंने बचपन से जो देखते आए हैं कि जितना कोई स्पिरिचुअल पाथ में इंटरेस्ट रखते हैं और जितना वो उसमें अपने को डिसिप्लिन करेंगे उतना उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. हम कहते हैं एक और करते कुछ और, तो वो फूड हैबिट्स हो या हम किस तरह से हम डील करते हैं विद लाइफ सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स, सब में मैंने देखा है कि गाइडेंस ऑफ द स्पिरिचुअल गुरु, गाइडेंस इन अ प्रॉपर पाथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम बचपन से हमारे संबंध रिश्ता जो भी बोलिए वो रहे हैं पौंडीचेरी में शिरोबिंदु आश्रम जो है मदर शिरोबिंदु, तो वो कॉन्शसनेस और वो जो स्पिरिट उसमें हम इतना कुछ देखे हैं कि ट्रूथ कॉन्शसनेस और टॉकिंग ऑफ लव एंड ट्रू रिस्पेक्ट नॉट आउटवर्ड शो और लाइक ए फॉल्स प्रिटेंस वैसे नहीं. तो उसमें हम जितना हम कोशिश किए हैं, आई कांट से दैट आई हैव बीन एबल टू अचीव इट, जितना हम कोशिश किए हैं जोड़ने को इतना ही मुझे फ़ायदा मिला है. तो इसलिए मैं उसमें बहुत विश्वास सिर्फ नहीं, मैं उसमें बहुत कन्विक्शन रखता हूँ कि मेरे लिए वही सही मार्ग है. जी, आपका क्या संदेश होगा हमारे इस यंग जनरेशन के लिए कि राग संगीत में कोई अपने बारे में कोई घमंडी ना आ जाए, कोई नो आउटवर्ड लाइक हाउ टू से यू नो फॉल्स अपीयरेंस और प्रिटेंस. आई मीन वेरी पर्सनली इफ आई हैव टू टेल यू कि द ओनली ऑब्जेक्टिव शुड बी टू सी द ट्रूथ एंड मे बी टू सी गॉड इन एवरीथिंग, टू सी द सोल ऑफ दिस म्यूजिक एंड टू डू दैट द ओनली वे इज़ टू डू वेरी सिंसियर साधना, नॉट थिंकिंग ऑफ एनी कॉमर्शियल. आई एम नॉट सेइंग दैट यू नो वन शुड नॉट थिंक ऑफ हिज मॉनिटरी प्रोफेशन. आई एम सेइंग दैट देर आर मेनी वेज टू अप्रोच इट. And I've been very fortunate to have a gathering of very good students around us, from whom I've learned a lot. Their sincerity, their sacrifice in many ways. How many would I cite? So, वो देख के मुझे बहुत inspiration मिला है. Life habits में, food habits में, सब कुछ में. तो वो ही younger generation जितना उसको maintain करे और tradition. ट्रेडिशन में जो जो चीज़ अच्छे हैं वो हमको सही में हमको वो फ़ायदा देते हैं और उसको उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हम ट्रेडिशन में हम जड़े रहें. क्या बात है पंडित जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी बातें कहीं. हमारे दर्शक, हम सभी आपसे आशीर्वाद स्वरूप थोड़ा कुछ सुनना चाहेंगे. मैं कोशिश करता हूँ. धन्यवाद.
गुरु ही गुण गुण गुरु गुरु ही गुण गुण गुरु होने मान तो जग तुमको भी मानेंगे गुरु ही गुण गुण गुरु गुरु होने मान तो जग तुम को भी मानेंगे अब गुणन को छाड़ जतन सो अब गुणन को छाड़ जतन सो सुर साधे सुध चरण बरण सो सुर साधे सुध चरण बरण सो ताको सकल गुणी तब गुणी माने ताको सकल गुणी तब गुणी माने गुरु गुण गुरु गुरु ही गुण गुण गुरु होने मान तो जग तुमको भी मानेंगे गुरु ही गुण गुण गुरु गुरु ही गुण गुण गुरु होने जग तुमको भी मानेंगे गुणियों में किसी का अब गुण कोई ना करे तो महासंगीत अपने आप फलेंगे फूलेंगे गुरु ही गुण गुण गुरु ने मान तो जग तुमको भी मानेंगे गुरु ही गुण गुण गुरु पुने मान तो जग तुमको भी मानेंगे मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ तुम आ जाना भगवान मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ तुम आ जाना भगवान तेरे बिना मन मंदिर मेरा तेरे बिना मन मंदिर मेरा है पड़ा सुनसान तुम आ जाना भगवान द्वार खोल कर बैठा हूँ मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ तुम आ जाना भगवान रीत पूजा की याद नहीं है रीत पूजा की याद नहीं है क्या चढ़ाऊं प्रसाद नहीं है क्या चढ़ाऊं प्रसाद नहीं है
तुम हो दाता मैं हूँ भिखारी, तुम हो दाता मैं हूँ भिखारी, क्या दूँ मैं बलिदान, क्या दूँ मैं बलिदान, तुम आ जाना भगवान। धन की मुझे तो प्यास नहीं है, धन की मुझे तो प्यास नहीं है, दर्श मिले बस आस यही है, दर्श मिले बस आस यही है, धन की मुझे तो प्यास नहीं है, दर्श मिले बस आस यही है, तनिक भगति से भगत नाथ को, तनिक भगति से भगत नाथ को, तनिक भगति से भगत नाथ को, हो जाए पहचान, हो जाए पहचान, तुम आ जाना भगवान। मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ, मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ, तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना, 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 तुम आ इसी के साथ आज हम समाप्त करते हैं सांस्कृतिक सफ़र मानुषी के साथ का यह एपिसोड। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और हस्ती के साथ फिर एक बार। नमस्कार।